हाय फ्रेंड्स, childa.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं उसका नाम है मूंग दाल कचौरी। मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए हमें चाहिए धुली हुई मूंग दाल, मैदा, बेकिंग सोडा, हींग, जीरा, सौंफ, नमक, लाल मिर्च, साबुत सूखा धनिया, साबुत काली मिर्च, गरम मसाला, आमचूर, तेल। मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए एक पैन में 3 से 4 टीस्पून तेल डालकर उसमें 1/2 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग डालकर पकाएंगे। अब इसमें 2 कटोरी भीगी हुई धुली हुई मूंग दाल डाल देंगे जो 6 घंटे पानी में भीगी हुई हो। अब इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डालकर मिलाएंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 6 से 7 काली मिर्च, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर डालकर मिलाएंगे। अब थोड़ी देर पकाने के बाद इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह हमारी कचौरी की स्टफिंग तैयार हो जाएगी। एक बाउल में 2 कटोरी मैदा में 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून नमक और 6 से 7 टीस्पून घी या तेल डालकर मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे हमें डो में ज्यादा लोश ना देते हुए थोड़ा ढीला रखना है। अब इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब आधे घंटे बाद इस डो को हल्का सा गूंद लेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर इसे हाथ से गोल शेप में बना लेंगे। अब इसके बीच में स्टफिंग भरकर इसे बंद कर देंगे। और हाथ से दबाकर वापस गोल बना देंगे। अब इसे धीमी आंच पर कढ़ाई में डीप फ्राई कर लेंगे। इसका रंग गोल्डन ब्राउन होने पर इसे प्लेट से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह हमारी मूंग दाल की खस्ता कचौरी सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप इमली की चटनी, धनिये की चटनी या बेसन करी के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके हमारी अन्य रेसिपीज को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।